विधायक जी, कांग्रेस का नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, इसमें आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को कोई फायदा होगा? फायदा नहीं होगा, पूरी सरकार बनेगी, 70 सीट आओगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी। इतना फायदा हुआ लोगों में, जान बापर की अर्धे दिन नेतृत्व में बदलिया गया, अर्धे दिन पूरे हरियाणा का 200 क्विंटल खून बदे, नहीं तो मरे पड़े थे लोग, तराई तराई कर रहा था लोग, शैलजा के लिए, हुड्डे के लिए लोग उनका नाम सुन गए और उनको जान वापर की सबने, हौसला आ गया। अशोक तंवर ने कल फरीदाबाद में ये भी कहा, भी जितना मेरा सहयोग किया था अध्यक्ष पद के होते हुए, मैं उतना ही सहयोग करूंगा, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी का कोई मेंबर बाहर नहीं जा सकता, कांग्रेस पार्टी की मदद करेंगे पूरे, वो भी सहयोग देंगे, सरसम आएंगे, वो भी आएंगे, वो क्यों नहीं आएंगे, उनका हल्का लोकसभा का है, बहुत संभालेंगे, उनके रिवायती आए हैं, सब कुछ ही है, वो क्यों नहीं संभालेगा, मेरे इलेक्शन में आएंगे, भाषण करके जाएंगे, देख लेना। विधायक जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये समय थोड़ा कम है और वो ये बिल्कुल चुनावों के पास आके हुआ है, तो इसको इसका असर भी पड़ेगा? नहीं, वो असर पड़ना था, वो पड़ गया, अब तो फायदा फायदा है, होना तो पहले चाहिए था, आज से दो साल पहले होता तो 7-8 सीट है ना लोकसभा की आती है, ये प्रतिवर्ष पहले हो जाता ना तो 7-8 सीट लोकसभा की जीतते हम कांग्रेस की। तो क्या वो चुनावों से पहले उनका कोई संभव हो पाएगा, वो पूरे हरियाणा का दौरा करें, शैलजा और हुड्डा जी? हुड्डा जी ने दो लोकसभा के दो हल्के रोज के तैयार कर दिए, अब 19 तारीख को दो बजाएंगे फतेहबाद में, आज दिन के 11 बजे हैं हिसार में, तो शिक्षा का कोई उनका प्रोग्राम नहीं रहेगा, वो बाद में जिले करेंगे, कल ही पूरा लोकसभा क्षेत्र करेंगे, 10 से 5 दिन में करेंगे, 10 से 10 को 5 दिन में करेंगे, 5 दिन में करके और फिर जो भी हल्का कमजोर दिखेंगे जिसमें जरूरी समझेंगे उसमें जाएंगे, ये बात। एक पिछले दिनों जो संभावित उम्मीदवार हैं बीजेपी के यहाँ से, उनके ऊपर नशा तस्करी के रोक लगे थे, किसके ऊपर है? पवन बेनीवाल जी के ऊपर। पवन भैया पूरा अच्छा डगड़ खावा है, अपनी प्रतिक्रिया अफीम उसके ऊपर, इसका पवन का पिताजी अफीम कहता था, आधी मौत अफीम और दारू से गया, इसका ताऊ दारू पीता था, रंजीत था, वो दारू के बेल में ही पूरा हुआ है, वो भी 70 साल का एक्सपायर हो गया था, उसका बेटा भी दारू की पृथ्वी नाम था, वो भी दारू के नशे में, वो मेरे 6 साल बड़ा था, वो भी गुजरे ना 15 साल हो गया, वो भी नशे में गया। और उनका ये भी कहना है कि जो भी कोई कैंडिडेट और आएगा, चाहे वो नेलो से है, जजपा से है या कांग्रेस से आए, उन सभी की जमानतें जब्त होगी इस बार। कौन कह रहा है? वही संभावित उम्मीदवार। हाँ, तो होगी, मेरी तो होगी जमानत जब्त, मैं टिकट ही कौन मिला, जमानत जब्त तो सर मैं करूँगा, आधे फिर लगे और लोग आने आगे खा कर। विधायक जी, पहला बात है कि 15 गांव ऐसे हैं जिनमें सेम की समस्या है और 17 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की समस्या है, तो क्या सरकार का रवैया अब जो सच्चाई चल रही है कि काम होगा या आपकी सरकार आने के बाद क्या किया जाएगा? हुड्डा सरकार में आएगी, मैं मेरे हल्के में पूरी टेल है, मेरे हल्के के अंदर सारी टेल है, मैं जमींदार का बेटा हूँ, हुड्डा साहब को बैठ के समझा के मैं सारी समस्या हल करूँगा, मेरे को पता है, ये रंगोई नाला काट रखे ना, ये बिना जोगिया लगाने नहीं जा सकता, पानी गुणे पास नहीं जा सकता, हुड्डा साहब ने हमने बात करी है, रतिया फतेहबाद से निकालो उधर से पानी और बहुत से इधर आएगा, और गुणे पास ऊंचाई पड़ती है, अथुन को पानी आएगा, अथुन का पानी गुणे पास जा नहीं सकता। आपके छोटा में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 17 करोड़ रुपए वो सेम की समस्या के लिए उन्होंने जारी कर दिए, आप कह रहे हैं काम? मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, 4 बार आए हुए सरसे जिले में पहले जी, जब आ गए 80-90 करोड़ जाएंगे, अरे कल काम गया बढ़ी गए, इलाहाबाद में 2 बार गए, गये एक बार इलाहाबाद में करी शुरू पोत में, और फिर रिपाणी करी 1 करोड़ 1 अरब रुपया हो गए, 1 अरब की बढ़ा गए 70-80-90 लाख रुपया हो गए, और फिर सस्ते गए और फिर मलिका गए, इजा पासा को नहीं आने भी जाए ही कौन मांगने,
बस आपको पेट भरे, जनता भलो कौन करे है, जनता थोड़ी है दुखी, जनता ने देखी बना दी कौन गलत, जनता कहने मैं कोई ध्यान नहीं, आज गरीबों मैं समझू भी गरीब किया जीने लग रहे, आज कोई सरकार का ध्यान ही कौन, आज से पहली 50 साल पहली 40 साल पहली ध्यान करती सरकार, काल पड़ते थे बिरन्नी इलाका था, जब भी लोग रोजगार देते थे, नहर बनवाते थे, खाल खुदाते थे, जब भी उनको हमने दिहाड़ी देते थे, आज वो भी आँख नहीं गुजरी है, दिहाड़ी किसी को नहीं है। बनीवाल जी, आपके विधानसभा में ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे ताकि लोग वापस आपके कांग्रेस की तरफ आ सके? मुद्दा तो मैं ठीक करूँ, क्योंकि मुद्दा कहीं है, मैं बरसिंह के नावे का बरसिंह आती रात काम करा, मेरी गाड़ी लेके जाऊँ तेल बाड़ूंगा और कन्नू में रोटी खाऊंगा, अगले ही कौन खाऊंगी, और हजारों लाख को सोनिया में बसाई है, क्यों लोगों आपकी लुगाई कौन बसे, मैं लोगों की सोनिया बहुआ ले के दूँ, लोगों की सोनिया बसाऊँ बहू ना बह ले के दूँ, मेरे कहने भगवान को आशीर्वाद है, और को आपने देखी परमात्मा छत्र से है मेरे पर, जब वो काम हुआ है आपको पूरा विश्वास है भी, पहला वहाँ जो विधानसभा क्या है इसके जो टिकट के आप पूरे दावेदार हैं, क्योंकि गोपीराम जी टाटेवाल नाम चला है यार, बिंग गांव में टाटेवाल गांव हुआ है, टाटेवाल में 500 वोट है भी नहीं वाला का, और के डी ओ लड़े तो मैं 13 वोट है मेरा हल्को भी कौन, वो मन बड़े कोई ब्याह आदमी पूछियो सगा हो तो साहब ही सगा तो मैं के डी ए साहब तेरे वोट किता है गांव में, बोले मेरे लोगों का तो बारो है मेरा तेरह करी हाँ तेरा ही वोट है गोपी राम के गांव, ऐ गोपी राम ने कभी कांग्रेस में वोट करेंगे, कांग्रेस के खिलाफ गिरे बदे कांग्रेस ही है वोट के खिलाफ, ऐ भाई छह साथ है वोट तेरा आया तो के कौन है सरा बेटा कुकरा। धन्यवाद जी, एक अंतिम सवाल करूंगा, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपके विधायक दल का नेता कौन रहेगा? विधायक दल का नेता अब मुख्यमंत्री का दावेदार कौन रहेगा कांग्रेस में? वो तो देखो हाईकमांड को पता है, सोनिया गांधी को पता है, मनमोहन सिंह को पता है, राहुल गांधी को पता है, वो तो उन्होंने डिसीजन लेना है। तो आपका जैसे जनसंपर्क अभियान आगे क्या चलेगा, प्रोग्राम क्या रखा है आपने, जैसे उसके बाद 19 तारीख के बाद गांव के अंदर या शहर के अंदर जो चलेगा आपकी तरफ से किस तरह की रूपरेखा उसकी? मैं सारे हल्के में चालू हो गया हूँ, कल के बाद हल्के में मैं कल उधर मीटिंग लूंगा चौपटा, फिर 12-12, 13-13 हम 36 गांव उधर है सारा माइक बांध के, मैंने गाड़ियों माइक लगा लिया 5-6 गाड़ियों पर, मैं एकदम लोगों में जाऊंगा और लोग भीड़ देखियो सारे कैमरे में घुनिया होगी, गांव की भीड़ कैमरे में घुनिया होगी, इतनी भीड़ घुमाना पड़ा हो कैमरे को। वैसे तो अभी तक टिकटें वितरण नहीं हुआ है, किसी के फाइनल नहीं है, लेकिन आप इलाहाबाद में मुकाबला किसके बीच मानते हो, अभय सिंह से आप मानते हो? मैंने पहली जान पूछो भाई तरकाली गांव में पूछो, बोले आपको मुकाबला क्या चाहो, मैं टिकट हाथ में आने दिया सारा पास छोड़ के जाऊँगा, कोई सारे को लगन दो, मैं दारा सिंह पहलवान पर घूमने मन बहुत तक के है ना पहलवान ने, दूसरे पहलवान ने विदेशी हो वो मैं तक के बाउंड्री मार पास फेंक दी हुई टब्बर ने फेंके थे वो पहलवान हो। तो बीजेपी को नारा है 75 पार तो सारो कांग्रेस हो के नारा रहे 70 पार फिर और बता दी हुआ पांच सीट टिकट मिलने बाद में और बता दी हुआ फिर कितना पार है अब 70 पार और तो बे के पीछे क्यों रह रहे हो पांच आप सेवा करांगा काम करांगा और जनता को देखो पहली मारो सिस्टम हो मकान सेवा तो बीजेपी चलान करने की सेवा कर चलान की मोटरसाइकिल 13,000 को मोरचल 13,000 को चलान 25,000 को तब क्या ले जाएगा मोरचल लोग कितना पकड़ा रखे है 5-5,000 7-7,000 रुपया दे के मोरचल ले रखे है कहीं गाड़ी ले रखी है लाख रुपया दे तो जिंदगी बचावा लोगों की है तो जिंदगी बचावा लोगों की लोगों की क्या हूँ ये रूल बना के सख्त रूल बना के सख्त कानून बना हुआ तो मैं चिट्टे के ऊपर बनाओ चिट्टो कितों भी खिला रहे वो बताओ लोग लाल मर लग जाए
कई जगह तो सौ दिन चिट्टो पीन लग रही है, वो हल हो रहे हैं, चिट्टो इतो गंद हो रहे हैं, समाज ने खत्म करने लग रहे हैं। क्या कारण मानते हैं अपने विधानसभा में इतना चिट्टा लुफेद रहा है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? नशा पहले जमा नहीं था जी। अब इस सरकार के आने के बाद में नशा है, नशा है, आवारागर्दी आ गई, बहन बेटियों इज्जत पर हाथ गलन लग गया, जो जुल्म ज़्यादती होने वाली है, इन इस सरकार का प्रशासन इतनी नहीं मानता, कोई बात नहीं मानता प्रशासन, हमारी मानता है, हमारा उनके साथ भाईचारा है, कांग्रेस सरकार के लगाए कर्मचारी है, मरी मानते हैं। और एक और बात बताओ, हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ कहीं गुटबाजी हावी तो नहीं हो रही आपके ऊपर, जैसे अलग अलग धड़े बन गए हैं और लोगों के अंदर भी ये चर्चा है, धड़ा अशोक दबरजी पहले थे, माड़ा मोटा धड़ा सब खत्म हो गया, धड़ा कोई नहीं है, सारा एक छतरी के नीचे है। आपको लगता भी नहीं ये हावी होगी कभी, गुटबाजी नहीं हावी होगी? ना नहीं होगी, अब नहीं होगी गुटबाजी नहीं होगी, अब सोनिया गांधी ने बड़ा सोना फैसला लिया है, उनका धन्यवाद करते हैं, राहुल गांधी का धन्यवाद करते हैं, ये फैसला मौके पर लिया, बहुत अच्छा लिया है, और इसका गरीबों को, जमींदार को, दुकानदार को, हर एक को फायदा होगा। दो दिन पहले भी होशियारी लाल शर्मा जी ने अशोक तंवर जी की फोटो अध्यक्ष के रूम में लगाई है, ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, एक्स की लाग सका है, हमने देखी बहन शैलजा जी लगेगी लगेगी तो उनकी, लेकिन होशियारी लाल जी ने अशोक तंवर वो तो आप अपना मन की बात है, मर्जी की बात है, थोड़ा सा जैसे अशोक तंवर की फोटो उतारी गई थी कांग्रेस भवन में ही होया था, हुड्डा साहब की लगाई गई थी, अशोक तंवर की उतारी थी।